और उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बिना रोकटोक जमीन खरीद फरोख्त का काम चल रहा है और इसके तहत प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लिए जमीन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश में जो भी भूमि खरीदेगा उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार भूमि संबंधी कानून में इसका प्रावधान करने जा रही है। ये मामला कैबिनेट की बैठक में उठा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों के सामने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण का विषय रखा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जमीन खरीद फरोख्त के नियमों को और ज्यादा कठिन बनाने की बात कही है, जिसके बाद सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने और भूमि खरीद से पहले सत्यापन और जांच के लिए अध्यादेश लाने पर सहमति बनी। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं ना कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीदे निकट भविष्य में उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा, और अन्यथा ज़मीन खरीदने पर सख्ती होगी।